चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। पड़थला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा लगातार अपनी जीत का दम भर रहे हैं, उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच टेकचंद शर्मा ने जनोली गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने टेकचंद शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान गांव के लोगों ने फूल मालाओं से टेकचंद शर्मा का स्वागत किया, उन्हें समर्थन देने की बात कही। जनोली गांव में हुए इस कार्यक्रम के दौरान तेवतिया पाल के प्रधान विजेंद्र तेवतिया ने टेकचंद शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने टेकचंद शर्मा की जीत का दावा किया। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उन्हें जिताने का काम कर रही है। तो लोगों की यही राय है कि टेकचंद शर्मा जी भारी मतों से इस बार चुनाव यहाँ से जीतेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा सरकार ने जो वायदे किए हैं इस किस्म में वो जनता के अंदर बहुत ही सकारात्मक माहौल है। और मैं कह सकता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। प्यार और आशीर्वाद कोई गढ़ किसी का नहीं होता, जनता का गढ़ होता है हमेशा विकास का। और विकास के एजेंडे को हम लेकर के चल रहे हैं। गांव तो मेरा यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद मेरे को बसपा से विधायक बनाया था 14 में। आज यहाँ देख रहे हो ये बिल्डिंग है जो देख रहे हो, ये सारी देन हमारी है। हमने इस तरीके से लोगों को विश्वास में जीता था, विकास को हमने आगे लेकर के चले। हमारा यह जाति पाति धर्म का कोई विषय नहीं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। पृथ्वी में अब तक 3 बार से कमल नहीं खिला था, अब की बार निश्चित तौर पर पृथ्वी में कमल खिलेगा।